हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाते हैं ट्रेंडिंग वाला मिनी केक। आजकल हेल्थ के चलते मिनी केक एक डांसू आइडिया है, क्योंकि बड़ा केक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है आजकल की फैमिली के लिए, और मिनी केक एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। तो हमने 100 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ करके मैंने ऐसा ब्रेड बनाया है, और मैंने डोम शेप का हुआ था इसलिए ऊपर की ओर काट ली है। तो मैंने जुगाड़ी तरीके से, हम सभी के घर ग्लास तो होता ही है, तो उसी की सहायता से मैंने मिनी केक के लिए कट किए हैं ब्रेड। तो आप देख सकते हैं, दो लेयर कट किए और तीसरी लेयर कैसे काटते हैं आप देख सकते हो, तो आगे आपको दिखाई देगा। बहुत ही सिंपल मेथड से हमने 3 लेयर कट कर ली है, और लास्ट की ये बची हुई 3 लेयर है हम ये साइड की ओर से कर लेंगे कट, और उसको जोड़ के तीसरी लेयर कट कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही जुगाड़ू तरीका है। और तो हम केक के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम रेगुलर केक बनाते हैं वैसे ही प्रोसेस है। इसके लिए मैंने शुगर सिरप डाल के उसके ऊपर क्रीम लगा ली है, और मैंने पाइनएप्पल क्रश का यूज़ किया है। आप देख सकते हो, मैंने पहले क्रीम लगा ली है, अच्छे से स्प्रेड कर दिए, ऊपर नीचे ना हुए हो इसका ध्यान रखे। शुगर सिरप के लिए मैंने पानी लिया और उसमें क्रश मिक्स किया और थोड़ी शुगर डाली, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा केक नहीं चाहिए था इसलिए मैंने शुगर ज़्यादा नहीं डाली। और ऊपर फिर मैंने क्रीम लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, और हम क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करके और इसमें एक स्पून इतना ही क्रश डालना, ज़्यादा नहीं डालना। और टूटी फ्रूटी डाली है मैंने, टूटी फ्रूटी जब हम केक काटते और खाते हैं ना, टूटी फ्रूटी जब दांत के नीचे आती है ना, बहुत ही बढ़िया लगती है। आप ज़रूर ट्राई करना, इसके टूटी फ्रूटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों, देख सकते हो हमारा छोटू सा केक बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो मैंने साइड की ओर से स्क्रैपर का यूज़ किया है, क्योंकि स्पैचुला बहुत ही बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने स्क्रैपर का यूज़ किया है। और स्क्रैपर मैंने जिगजैग का यूज़ किया है, और बहुत ही अच्छा दिखता है। जब इतना छोटू सा केक इतना प्यारा लग रहा है, तो पूरा डेकोरेशन होगा तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। कुछ लोगों के डाउट होते हैं कि हमारी फिनिशिंग अच्छी होती ही नहीं है, इसलिए इसका रीज़न एक ही है कि हम जो क्रीम होती है उसको अच्छे से बीट नहीं करते। और इसका रीज़न और भी होता है कि जो हमारा बीटर होता है वो कम वैट का होता है, इसलिए अच्छे से क्रीम बीट होती ही नहीं है। तो यही रीज़न है इसका। तो अच्छे से क्रीम बीट करिए। और आपको न्यूट्रल जेल, होममेड न्यूट्रल जेल कैसे बनाते हैं, आप रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो मैंने ये होममेड न्यूट्रल जेल बनाया है। तो हमने ज़्यादा कभी ग्रीन कलर का यूज़ नहीं किया, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और मैंने कलरफुल स्प्रिंकल जो होते हैं वो ऊपर की ओर से डेकोरेशन के लिए डाले, और मैंने चॉकलेट गार्निशिंग बना के रखी थी, तो मैंने ये यूज़ किया है। मिनी केक बोलो तो हमारे पैसे भी तो बचते भाई, ये तो इसलिए मैंने आपके लिए ढांसू और जुगाड़ू केक प्रेजेंट किया है। आपको हमारा ढांसू और जुगाड़ू केक कैसा लगा, और इसकी कितनी प्राइस होगी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और केक, अगर आपको हमारा केक पसंद आया तो लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।